कीजिए, बिग हैंड फॉर धवल नंदा। बैठिए भाई साहब। तो देखिए संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, अहमदाबाद गुजरात से एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है धवल नंदा। धवल जी सर आप कुछ बोले इससे एक कंप्लेन है सर, और उसकी मुझे प्राइस भी चाहिए होगी। अच्छा। पहली कंप्लेन है कि सर मुझे सीट आपके पीछे दे दी, आप दिख ही नहीं रहे हो सर, कभी मुझे ऐसे देखना पड़ता है कभी ऐसे, कब ये तो अच्छा हुआ कि सर सीट ऐसे पीछे दे दी, ऐसे थोड़ी चलता है सर। सर ऐसा है कि हमको मालूम था कि आप इतने योगी हैं कि आप यहाँ आ जाएंगे तो पीछे देखने की जरूरत नहीं, अब सामने सामने आए। हाँ सर वो भी एक है सर, और सर इसलिए सर यहाँ पर आया, तो मैं अपनी वाइफ को लक्की चाम मानता हूँ, तो मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ, उनको हक करना चाहता हूँ, अगर अच्छा, आप अनुमति दे तो। जी सर। तो आपके कंपेनियन के रूप में आपकी पत्नी जी आई हुई हैं। जी। आपका शुभ नाम? खुशहाली मंगी सर। खुशहाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत, और पतिदेव आपसे आकर के मिलना चाहते हैं, इनको अनुमति दे रहे हैं, हम जाइए। बहुत ही सुंदर लगा। थैंक यू सर। आप गए और आप मानते हैं कि वो आपकी लकी चार्म है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जा रहा है। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किसी कार्य की ओर पूर्ण ध्यान लगाने और विवाह के लिए निश्चित किए गए शुभ मुहूर्त या दिन दोनों के लिए किया जाता है? Which of these words is used for the act of giving full attention to a person or work and to an auspicious day fixed for marriage? ऑप्शन सुनिए। ए मगन, बी लगन, सी छगन या डी भजन। लगन। लगन बी कन्फर्म। क्या करें? कन्फर्म, लॉक किया है। कन्फर्म कर दिया है, बी ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रखें आपके सामने, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके सामने। ये रहा लोकप्रिय टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कौन हमेशा दुनिया हिलाने की बात करता है? इन द पॉपुलर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, Who always talks about shaking the world? A. Jethalal, B. Popatlal, C. Champaklal, या D. Hansraj Athi? सर B. Popatlal, जो पत्रकार का किरदार निभाते हैं सर, उसमें वो बोलते हैं दुनिया हिला दूंगा। B पे लगाया ताला? Yes sir. All right, B पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बोलने से पहले ही लोगों ने ताली बजा दी। खेल का पहला पड़ाव, 10000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, ये एक इमेज क्वेश्चन है, आपको एक छवि दिखाएंगे। इस पैनल में दिखाई गई घटना में कौन से दो समूह शामिल हैं? Who are the two competing groups involved in the event seen in this panel? Can we see the image please? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए देव और असुर, वानर और रीच, गंधर्व और यक्ष, और डी है पांडव और कौरव। सर मेरे ख्याल से ये समुद्र मंथन चल रहा है, नीचे वो करके, तो ये देव और असुरों के बीच में हुआ था समुद्र मंथन की प्राप्ति के लिए। आई वुड गो विथ ऑप्शन ए, देव और असुर। देव एंड एसोसिएशन ए। यस, लगा दें ताला। यस सर। ए कह रहे हैं ताला लगाया जाए। मानिए बढ़िया, सही उत्तर है आपका। तो ये जो इमेज आपने देखी, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुई, उनको हम धन्यवाद देते हैं, अमर चित्र कथा। आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। ये रहा
इनमें से किस वैज्ञानिक ने सजीवों को वर्गीकृत करने के एक तरीके का इजाद किया था? Which of these scientists invented a way of classifying living organisms? विकल्प हैं ये आपके सामने, ए हम्फ्री डेवी, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी चार्ल्स डार्विन या डी कार्ल लिनियस। सर ए नहीं है, हम्फ्री डेवी। सर मुझे सी और डी में डाउट है, चार्ल्स डार्विन और कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस तो मुझे पता है ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनका था, चार्ल्स डार्विन। सो आई थिंक आई वुड टेक 50-50। शांत हो जाएं दुग्धी जी, 50-50 लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं, दो जो गलत विकल्प हैं मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी कार्ल लिनियस। आई वुड गो विद डी कार्ल लिनियस। डी के साथ जाएंगे? यस। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। नहीं नहीं, सही उत्तर है भाई साहब। वैसे जोर से देखा आपने, हम घबरा गए, हमने कहा पता नहीं क्या कर दिया हमने। दसवां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। धवल भाई साहब ये रहा आपके सामने। जून 2021 में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में किसने दोहरा शतक बनाया? इन जून 2021, हु स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी इन हिज डेब्यू टेस्ट मैच? ए डेवन कॉनवे, बी डैन लॉरेंस, सी रैसी वैंडर ड्यूसन, डी इमरान भट्ट। सर डी नहीं है, इमरान भट्ट नहीं है। ए डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है, बट उनका डेब्यू था वो, आई एम नॉट श्योर डेवन कॉनवे का डेब्यू था। डैन लॉरेंस प्लेस फॉर इंग्लैंड, आई विल गो विथ ऑप्शन ए डेवन कॉनवे। ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं धवल जी, ए डेवन कॉनवे पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। ग्यारहवां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर की स्थापना वनराज चावड़ा द्वारा की गई थी और इसका नाम उनके दोस्त अनहिल भरवाड़ के नाम पर रखा गया था? Which of these cities was founded by Vanraj Chawla and named after his friend Anil Bharwal? Yes, sir. Ye rahe options. A. Ahmedabad. B. Surat. C. Patan. D. Rajkot. Sir, mera dhyan C. Patan ki taraf ja raha hai, but yes, I would ask the expert first before confirming the answer. Lifeline lena chahenge? Alright. Expert ki lifeline ko ankit kar dijiye, computer mahashay. Aur Vemu Shankar ji se prarthna hai ki wo aaye aur bataye ki iska sahi uttar kya hona chahiye. Colonel sahab, aapke samne ek prashn padhne wala hu main. Inme se kis shahar ki sthapna Vanraj Chawla dwara ki gayi thi aur iska naam unke dost Anil Bharwal ke naam par rakha gaya tha? ऑप्शन दूंगा मैं आपको, ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी पाटन, डी राजकोट। इसका आंसर है पाटन। ये एक्चुअली पाटन का ओरिजिनल नेम है अनहिल पाटन, नाम था जितना पता नहीं, बट पाटन का ये सही आंसर है, आपने सही सोचा था, तो आप ऑप्शन सी पाटन में जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद दे रहे हैं आपको, क्या किया जाए? सर कंफर्म सी पाटन। सी पाटन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Well played, sir, is the right answer. Thank you, sir. Thank you.
थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जो नासा के पर्सिवियरेंस रोवर के साथ फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा था? What is the name of the robotic helicopter that accompanied NASA's Perseverance rover that landed on Mars in February 2021? And here are the options. A. Sincerity. B. Ingenuity. C. Serenity. D. Gratitude. Sincerity. नहीं, सर ए और डी नहीं लग रहा है मुझे, बी और सी में डाउट है, इनजेन्युइटी और सेरेनिटी और सीवियरेंस रोवर के साथ हेलीकॉप्टर, मतलब रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम इंजीनियर। सही उत्तर 12,50, गलत नीचे गिरा देंगे 3,20 पे। आई थिंक इट्स बी इंजेन्युइटी, मुझे लग रहा है, एंड द रिस्क इज फॉर 320, सो आई थिंक आई वुड टेक अ रिस्क, आई विल गो विद ऑप्शन बी, इंजन इंजेन्युइटी। ऑलराइट, पे कर लिया आपने? यस। ओके, कमरे महाशय कह रहे हैं बी इंजेन्युइटी पे ताला लगाया जाए। कैसे लगा कि ये होना चाहिए? आपको पता है कि आप 6:40 जीत रहे हैं। Yes. और अगर गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 3:20 पे। Yes, sir, कहीं पड़ा हुआ है, but I was sure कि A और D नहीं है, फिर मैंने सोचा B और C है, तो नासा सेरेनिटी नाम क्यों रखेगा अपने रोबोटिक हेलीकॉप्टर का, सीरेनिटी रखना रखेगा इंजेन्युइटी, सो मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं अपने रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम जो एक रोवर के साथ जा रहा है, परसिवियरेंस जिसका नाम है, मेरे ख्याल से उसके साथ इंजेन्युइटी रोबोटिक हेलीकॉप्टर बैठता है, तो मैंने इसलिए ऑप्शन बी चुना सर। बहुत सारी आपने भूमिका लगाई है, ए बी सी डी सब, और जिस तरह का काम आप करते हैं बैकएंड का थीसिस के समय जी, उसका भी वो अपने थोड़ा सा अपने मन में आपने उपयोग किया है जी। लेकिन भाई साहब, जो भी आपने उपयोग किया वो ये उत्तर बिल्कुल सही है भाई साहब। वाह,